टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी एंड ओवरऑल एग्रीकल्चरल ग्रोथ टू जब हम बात करते हैं टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चरल सेक्टर तो ओवर टाइम क्या है देर इज़ इंक्रीज इन टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चरल सेक्टर इन पाकिस्तान जब आप टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी की मेजरमेंट की बात करते हो तो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी बेसिकली मईर्स चेंज इन दफिशेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ इनपुट आप एफिशेंसी की बात करते हो तो एफिशिएंसी में हम बात करते हैं इनपुट ओरिएंटेड मेजरमेंट एंड आउटपुट ओरिएंटेड मेजरमेंट एफिशिएंसी बेसिकली है क्या प्रोडक्शन मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट अगेंस्ट गिवन क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स हम कह सकते हैं आप प्रोडक्शन इज एफिशिएंट इफ इट कैन प्रोड्यूस गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बाय यूजिंग मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इनपुट जब आप एग्रीकल्चरल सेक्टर की ग्रोथ की बात करते हो तो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द इंटेंसिव यूज ऑफ इनपुट देयर इज इंक्रीज इन टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी और यहां पे जब आप इंक्रीज इन द इंटेंसिव यूज ऑफ इनपुट्स की बात करते हो दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरवेंशन इन द इनपुट कॉस्ट एंड इंटरवेंशन इन द एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या जी गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडीज दे दी ऑन द इनपुट्स गवर्नमेंट ने आउटपुट के रेफरेंस में कोई स्पोर्ट प्राइसेस अनाउंस कर दें तो वो सब क्या करेंगे इट विल रिजल्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर जी बिसाइड्स दिस इंटरवेंशन इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर आपके पास टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी चेंज हो सकती है बिकॉज ऑफ चेंज इन द दम्बिनेशन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बाय चेंजिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो लैंड लेबर एंड कैपिटल के कंबीनेशन फार्मर इंप्लॉय कर रहे हैं टू मेक प्रोडक्शन उनके कंबिनेशन को चेंज किया जाए तो इट माइट बी पॉसिबल देयर इज चेंज इन टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इफ देयर इज इंप्रूवमेंट इन टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ चेंज इन कंबिनेशन तो हम इसको क्या कहेंगे दिस इज कॉल्ड एज इंप्रूवमेंट बिकॉज ऑफ चेंज इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ टेक्निकल चेंज इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अब इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने बात की थी कि फॉर द मेजरमेंट ऑफ टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी वी कैन एम्प्लॉय टोटल आउटपुट इंडेक्स एंड टोटल इनपुट इंडेक्स अगर हम आउटपुट इंडेक्स को डिवाइड कर दें विद इनपुट इंडेक्स तो हम रिपोर्ट कर सकते हैं टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को जब हम एग्रीकल्चरल आउटपुट की बात करते हैं तो हमने कहा था कि देर आर टू आउटपुट्स एक क्रॉप सेक्टर का आउटपुट एक आपके पास लाइफ स्टॉक सेक्टर का आउटपुट और ये जो डेटा है मेरे पास ये जो डायग्राम्स में यहां पे ड्रा कर रहा हूं फॉर टाइम फ्रॉम टाइम टू ट्वेंटी ट्वेंटी यहां पे ये डेटा कहले हमने एक्सट्रैक्ट किया फ्रॉम इकोनॉमिक रिसर्च सर्विस और ये डेटा जो रिपोर्ट किया जा रहा है इंडेक्स का कुछ तो आइडिया होगा आप लोगों के पास के इंडेक्स ए बेसिकल अ चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हाँ जी आप बहुत ज्यादा फेमिलियर होंगे अबाउट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अब उसी पैटर्न पे यहाँ पे ये जो मेरे पास लेफ्ट हैंड पैनल में आप एक डायग्राम देख रहे हो दैट इज द क्रॉप इंडेक्स जो आपको रिपोर्ट कर रहा है चेंज इन क्रॉप प्रोडक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और यहाँ पे जो मेरे पास बेस ईयर है दैट इज ईयर ऑफ 2015 अब यहां पे आप क्रॉप सेक्टर के इंडेक्स के रेफरेंस में हम एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं फ्रॉम नाइनटीन टू ट्वेंटी देयर इज इंक्रीज इन क्रॉप आउटपुट फिर इसी पैटर्न में अगर आप लाइफ स्टॉक इंडेक्स की ऑब्जर्वेशन को देखो तो यहां पे भी क्या है देयर इज इंक्रीज इन लाइफ स्टॉक आउटपुट ओवर नाइनटीन टू ट्वेंटी ट्वेंटी लेकिन अगर मैं दोनों की चेंजेस को ऑब्जर्व करूं तो लाइफ स्टॉक सेक्टर के इंडेक्स में कुछ रैपिड चेंजेस ऑब्जर्व हो रो इनक्रीज ऑब्जर्व हो रही है एज कंपेयर टू क्रॉप सेक्टर इंडेक्स फिर इसी पैटर्न पे अगर हम आउटपुट इंडेक्स और इनपुट इंडेक्स की बात करें आउटपुट इंडेक्स क्या है द आउटपुट दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर क्या अगर हम एज्यूम करें कि आउटपुट इंडेक्स इज कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग द डेटा ऑफ द क्रॉप सेक्टर एंड लाइफ स्टॉक सेक्टर तो मेरे पास ये जो ये दिस इज द इंफॉर्मेश आउटपुट इंडेक्स और आउटपुट इंडेक्स हम यहां पर राइट हैंड साइड डायग्राम में आपको शो करें जबकि इनपुट इंडेक्स मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे अब यहाँ पे इनपुट इंडेक्स क्या है ये बेसिकली इनपुट इंडेक्स इज ऑबटेन बाय यूजिंग द इनफॉर्मेशन अबाउट द इनपुट्स दैट आर यूज टू प्रोड्यूस द एग्रीकल्चरल आउटपुट अब अगर मैं इस आउटपुट इंडेक्स को इनपुट इंडेक्स पे डिवाइड कर दू तो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आएगी दैट इज द इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चरल टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी और पाकिस्तान के रेफरेंस में अगर हम ये बात करें तो हम एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं देयर इज इंक्रीज इन टोटल फैक्टर प्रोडक्ट प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर ओवर टाइम देयर इज इंक्रीज इन टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड इफ देयर इज इंक्रीज इन टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर तो ये कंट्रीब्यूट करेगा टूवर्ड्स द एग्रीकल्चरल ग्रोथ और अगर एग्रीकल्चरल ग्रो करेगी तो अल्टीमेटली इफेक्ट करेगी आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ को जब आप टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करोगे तो हमने जैसे पिछली डायग्राम में आपको शो किया कि देयर इज इंक्रीज इन टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी देयर इज पॉजिटिव ग्रोथ इन टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ये तो जो हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की दैट इज एट एग्रीगेटेड लेवल लेकिन जब आप इसी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करो अक्रॉस डिफरेंट रीजन देन इट माइट बी पॉसिबल वी गेट सम डिफरेंट रिजल्ट क्या जी पाकिस्तान के जो आप अगर हम प्रोविंशियल लेवल पे इस एनालिसिस को करें तो इट माइट बी पॉसिबल फॉर वन प्रोविंस वी आर ऑब्जर्विंग इंप्रूवमेंट इन टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी और किसी दूसरे प्रोविंस के लिए हम कुछ आप कह लें वी कैन नॉट ऑब्जर्व इंक्रीज इन टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी फिर इसी पैटर्न पे जब हम क्रॉप यहां पे तो हमने बात की क्रॉप्स की ऑल द क्रॉप्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान लेकिन जब हम इस यहां पे अगर इसी डिस्कशन को करें अक्रॉस डिफरेंट क्रॉप्स ये कंपैरिजन कर लें अबाउट बिटवीन मेज एंड कॉटन तो वो भी मुझे क्या रिपोर्ट करेगा कि वी आर द टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी अक्रॉस डिफरेंट क्रॉप्स जी हम यहाँ पे एक कंपेरिजन कर सकते हैं अबाउट टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी अक्रॉस क्रॉप एंड लाइव स्टॉक सेक्टर और ये सारी मुझे क्या करेगा ये मुझे रिपोर्ट करेगा अबाउट दी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी अक्रॉस क्रॉप्स एंड एंड अक्रॉस क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक सेक्टर अब जब इंक्रीज इन टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करो पाकिस्तान

वहां पे आपकी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इज ग्रोइंग एट अ लोएस्ट रेट जब आप एग्रीकल्चरल ग्रोथ इन पाकिस्तान की बात करोगे तो हम कह सकते हैं कि इन पाकिस्तान एग्रीकल्चर ग्रोथ मे बी बिकॉज ऑफ रिसोर्स डिग्रेडेशन एग्रीकल्चरल ग्रोथ इन पाकिस्तान इज मे बी रिसोर्स डिग्रेडिंग ग्रोथ लिमिटेड ग्रोथ बिकॉज ऑफ टेक्निकल चेंज हम ये स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं कि इन पाकिस्तान एग्रीकल्चरल ग्रोथ इज बिकॉज ऑफ इंटेंसिव यूजेज ऑफ इनपुट और इंटेंसिव ऑफ यूज रिजल्ट रिसोर्स डिग्रेडेशन तो हम कह सकते हैं कि इफ देयर इज इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर दैट इज बिकॉज ऑफ इंटेंसिव यूजेज ऑफ इनपुट और जब आप प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी बिकॉज ऑफ इंटेंसिव यूजेज ऑफ इनपुट It results in agricultural growth, but this agricultural growth is resource degrading, resource degrading growth in Pakistan.